किसान भाइयों, पहले खाद का स्प्रे करना चाहिए या फिर कीटनाशक का या फिर फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए? यदि हम इनको मिलाकर करते हैं तो क्या होगा, और अलग अलग करें तो कितने टाइम का, बीच में कितने दिनों का इनके बीच में अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए? ये सवाल छोटा सा है लेकिन बहुत से किसान इसमें उलझे रहते हैं और कई बार नुकसान भी कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस सवाल का आपको क्लियर जवाब मिलेगा। काफ़ी छोटी वीडियो है तो इसको पूरा ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है सभी किसानों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल पोषण में जबरदस्त एग्रोस्टार का सेलजिंग, जो फसल में वृद्धि विकास, फल गुणवत्ता के साथ पीलापन कम करने में सहायक होता है और तिलहन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। धान, मक्का, मूंगफली फसलों के लिए असरदार एग्रोस्टार का सेलजिंग, उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर के साथ सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। किसान भाइयों, चाहे आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, किसी भी टोनिक या फिर खाद का स्प्रे करते हैं, तो उस समय पर आपके खेत में सिंचाई आप जरूर करें। यदि आपके खेत में अच्छी नमी है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल में, उस खेत में, उस जमीन में उस टाइम के ऊपर नमी होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो सूखे की अवस्था में यदि आप स्प्रे करते हैं तो फसल को नुकसान भी करती है और आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, जमीन में नमी होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। और इसके बाद में बात करें कि पहले खाद का स्प्रे करें या फिर कीटनाशक का, फंगिसाइड का स्प्रे करें, तो इनका स्प्रे आपको मिलाकर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख लेना। अब बात करते हैं कि कौन सी स्प्रे हमें पहली करनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं, यदि आपकी फसल में कीटों का या फिर फंगस का अटैक नहीं है या फिर बहुत ही कम है या फिर कोई भी आपकी फसल में बीमारी नहीं है, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में आपकी फसल में यदि कीटों का अटैक ज़्यादा है, फंगस का अटैक है या फिर कोई भी बीमारी आपकी फसल में आई हुई है, तो ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन की यदि हम बात करें कि आपकी फसल में कीटों का, फंगस का अटैक नहीं है या फिर कम है, कोई बीमारी नहीं है, कीटों की यदि मैं बात करूं जैसे कि तेला चेपा है, वाइट फ्लाई है, फंगस है, तो इनका यदि आपकी फसल में कोई फिलहाल हमला नहीं है, प्रकोप नहीं है, तो आप खाद का स्प्रे कर सकते हैं, जिनमें आपकी NPK है, जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरोन है, कोई भी खाद आपकी हो सकती है। इसके 2-4 दिनों के बाद में आप कीटनाशक का या फिर फंगिसाइड का जो है स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल में, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी फसल को खुराक मिल जाती है। और जब आप कोई भी यदि नाइट्रोजन युक्त खाद का स्प्रे करते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर जो दूसरे इंसेक्ट हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। नाइट्रोजन की यदि आप स्प्रे करते हैं यूरिया वगैरह की, तो उसके ऊपर कीटों का हमला एक बार ज़्यादा होता है। तो 2 दिन के बाद में आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यदि आपकी फसल में कीटों का प्रकोप है, फंगस का अटैक है, कोई भी बीमारी आई हुई है, तो उसमें आप पहले कीटनाशक का, फंगिसाइड का या फिर उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए पहले जहर का स्प्रे करें, कीटनाशक का स्प्रे करें, ताकि एक बार वो बीमारी कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद में उस पौधे को खुराक की ज़रूरत होती है तो आप उसको खुराक दें। किसी भी खाद का आपको स्प्रे करना है वो आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि पहले पौधे की बीमारी को काटना ज़रूरी है, उसके बाद में वो आसानी से खुराक ले सकेगा, खाद को ले सकेगा और वो उसके ऊपर पूरा रिजल्ट भी देगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से कंडीशन को ध्यान में रखकर, टाइम के हिसाब से, अपनी फसल को देखकर ही खाद का या फिर कीटनाशक का पहले और बाद में स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक फैलाएं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की सही जानकारी समय पर देखने के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।